3 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाई BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर आज कुछ बेरोजगार लोग पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता पिछले 3 महीने से नहीं आया है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द हमें फिर से बेरोजगारी भत्ता देवे, जिससे हम हमारी पढ़ाई और अन्य खर्चे निकाल सकें। बेरोजगारी भत्ता स्टॉप कर दिया गया है हमारा, और उसको रिन्यू करवाने, हर एक साल में रिन्यू कराना चाहिए। ऐसा टर्म एंड कंडीशन में कहीं नहीं लिखा है कि ना नवीनीकरण कराना होता है एक साल बाद। हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे, इससे 3 महीने से हमको कोई भत्ता नहीं दिया गया है। 3,500 रुपये लड़कियों को मिलते हैं, लड़कों को 3,000 रुपये मिलते हैं। रोजगार कार्यालय से जो ऑफिसर थे उनको बुलाया गया था, वो सर ऐसे कह रहे हैं कि ना एसओसी आईडी पे कोई मैसेज नहीं आता, बल्कि एसओसी आईडी पे मैसेज आने के बाद ही डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास कोई प्रूफ है तो बताओ, हमारे पास प्रूफ भी है। और वो कह रहे हैं टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है कि एक साल बाद नवीनीकरण कराना होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है टर्म एंड कंडीशन के अंदर। हमारे पास PDF है, वहाँ पर भी नहीं लिखा है कि नवीनीकरण कराना होता है। तो वो उन्होंने ऐसा बोला है कि जयपुर में हम एप्लीकेशन लिख देंगे, वो जो होगा आप देख लेना, वैसे तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? और हम तो यही चाहते हैं कि हमको रिन्यू का वापस मौका दिया जाए, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वापस, हमारा बेरोजगारी भत्ता वापस स्टार्ट किया जाए। अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो फिर आगे धरने पर बैठेंगे, कुछ तो करेंगे सर, क्योंकि इससे सबका पढ़ाई का खर्चा इसी से चल रहा है, सबको ये पढ़ाई के लिए ही दिया जा रहा है, पढ़ाई के लिए ही दिया जा रहा है, रोजगार पाने के लिए तो दिया जा रहा है। बेरोजगार है वैसे ही, इन पैसों से तो रोजगार प्राप्त करेंगे। और अभी 7 महीने में दिया, साल भर भी नहीं हुआ है, हमें से 7th month मिला है। आपका नाम बताएं? हिमांशी। समस्या है आपकी और आज कलेक्टर साहब से मिले, किस तरीके का आश्वासन मिला? वहाँ पे हम लोग मिले बेरोजगार भत्ते को लेकर, हम लोगों का अभी 1 साल भी कम्प्लीट नहीं हुआ और बेरोजगार भत्ता बंद कर दिया गया है। और उसके बाद हम लोग बेरोजगार कार्यालय भी 2-3 बार चक्कर काट के आए, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, आपको टर्म कंडीशन पढ़नी चाहिए थी और उसी दिन रिन्यूअल करवाना चाहिए था। मेरे पास तो मैसेज भी नहीं दिया उन लोगों ने, और मेरे पास तो स्क्रीनशॉट भी है, बोले प्रूफ लेके आओ, प्रूफ भी है हम लोगों के पास में, पर ये बोल रहे हैं हम लोगों के यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, आगे हम वो मैसेज भेज देंगे आपका, आ जाओ चिट्ठी डाल देंगे कि जो भी होएगा उसके बाद में आप लोग देख लेना। कलेक्टर साहब से आप मिले, किसी अधिकारी को बुलाया? हाँ, अधिकारी को बुलाया, बेरोजगार कार्यालय से एक अधिकारी को बुलाया, उनसे हमारी बात करवाई है। क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप चलो बेरोजगार कार्यालय, वहाँ पे आपकी अगर आपके पास प्रूफ है तो हम लोग आपकी चिट्ठी वहाँ पे डाल देंगे जयपुर, और उसके बाद में वहाँ से जो भी आएगा आप बात कर लेंगे। आपके पास क्या प्रूफ है? हमारे पास स्क्रीनशॉट है कि मेरे पास तो कोई भी मैसेज तो आया नहीं है, और जो भी अगर उस दिन आ भी रहा है मैसेज तो खुल नहीं रहा है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम खुशबू क्रिस्टी।